नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको हर रोज डिफेंस, नेशनल, इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड न्यूज़ का अपडेट देते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं हम आज की अपनी खबर पर, जो आज दो बड़ी अपडेट आ रही हैं। एक तो हमारे इसरो की तरफ से है और दूसरी हमारी भारतीय प्राइवेट फर्म जॉन नेट, जो एक UCAV तैयार कर रही है, आप इसे ड्रोन भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी पहली अपडेट पर, जो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो ने कहा है, फ्यूचर में जो रॉकेट को ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाला सेमी क्रोजेनिक इंजन का विकास अंतिम चरण में है। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में हम सबको महामारी का सामना करना पड़ा और इससे इसरो के जो प्रोजेक्ट थे वो भी थोड़े डिले हो गए, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अगली पीढ़ी के एडवांस रॉकेट इंजन डेवलप करने की दिशा में भारतीय इसरो का प्रयास लगातार गति पकड़ रहा है। जो हमारा सेमी क्रोजेनिक इंजन है, इसरो के फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट हैवी लिफ्ट वाले हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो है वो क्रोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं GSLV के लिए, और ये इंजन 4 टन तक का पेलोड को हायर अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इसरो को 4 टन से ज्यादा का पेलोड ले जाना हो तो ये इंजन पर्याप्त नहीं है, इसलिए इन्हें सेमी क्रोजेनिक इंजन बनाना पड़ रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसरो का ये भी प्लान है कि स्पेस स्टेशन बनाना है इंडिया के लिए, और स्पेस स्टेशन बनाने के लिए पेलोड भी काफी बढ़ जाएगा और जो ये रॉकेट जो पेलोड लेके जाएगा उसका इंजन भी ताकतवर होना चाहिए। इसरो ने कहा है, सेमी क्रोजेनिक इंजन 40 से 45% से भी अधिक सब सिस्टम योग्य टेस्टेड और सेटिस्फैक्टरी वर्क किया है। इसरो ने कहा है कि अब हम इन सब सिस्टम के प्रमुख असेंबलिंग पर काम कर रहे हैं, जिसे थ्रस्ट चैम्बर भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि सेमी क्रोज इंजन की जरूरत मोस्टली यूज होती है लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसरो के इस इंजन के बारे में, प्लीज कमेंट करना। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जो भारतीय प्राइवेट फर्म जॉन नेट से आ रही है, जो JF-5 UCAV बना रही है। दोस्तों, ये एक हाई एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्रेटेजिक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। आप इसे एक प्रकार का विमान भी समझ सकते हैं। हमारी आर्मी जो ऑपरेशन करती है, उन ऑपरेशनों में ये दुश्मनों के क्षेत्रों की टो लेने के काम आता है और जरूरत पड़ने पर आक्रमण करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये फाइटर जेट के साथ किए जाने वाले ऑपरेशनों को करने में सक्षम है। इसका डिजाइन बहुत यूनिक है और इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। सेंसिटिव स्ट्राइक करनी हो, चाहे वो जमीन हो चाहे समुद्र हो, उसमें आराम से कर सकता है। इसमें टर्बो प्रो इंजन यूज किया हुआ है। मैक्सिमम 40,000 फीट तक उड़ सकता है। अगर वेट की बात करें तो ये 5600 kg तक का है। इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं और मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 8500 किलोमीटर और ये ऑपरेट -30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक काम कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों खबरों पर, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।